बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। जुनैद है मेरा नाम और आपको हमेशा की तरह हर खबर से अवगत कराना है मेरा काम। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के सरगना 3 आरोपी देशमुख अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी निकले, शेष 5 सदस्य आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास आउट व अध्ययनरत कर्मचारी। उज्जैन में आरोपियों के कब्जे से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन व एक्टिवा वाहन बरामद। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन संभाग श्री योगेश देशमुख के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कोविड महामारी के दौरान लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने हेतु निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में आज दिनांक 25/4/2021 को थाना चिमनगंज एवं साइबर प्रभारी एवं उनकी टीम को मुखबिर द्वारा कोविड-19 महामारी में पेशेंट को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते संक्रमित मरीजों को ना देते हुए कालाबाजारी कर रहे, जिससे संक्रमित मरीजों के जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है। एलाउन सिटी के सामने आगर रोड उज्जैन पर 3 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ग्राहक जरूरतमंदों को तलाश रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते सही पाए पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों लोकेश अंजना प्रियेश भानु प्रताप सिंह के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन अवैध रूप से ऊंचे दामों में कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर तीनों आरोपियों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक एक्टिवा दोपहिया वाहन जब्त कर गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी अन्य 2 व्यक्तियों वैभव पांचाल व हरिओम से क्रय करना बताया गया। दोनों की तलाशी करते दोनों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन व एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलने पर जब्त किया, जिनसे पूछताछ करने पर आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले 3 साथियों सरफराज कुलदीप राजेश नरवरिया से खरीदना बताया है। तीनों से पूछताछ करने पर तीनों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन व एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब्त किया गया तथा बताया कि जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाते हुए बचाकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। दोस्तों, इसी तरह की अपने आसपास की और देश और दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।